Hi, good morning friends. Hope you all are doing good. So, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आरुष के ब्रेकफास्ट रेसिपी से। आज मैं आरुष के लिए सूजी उत्पम बनाऊँगी। इसके लिए मैंने लिया है सूजी, आधा कप, 1/4 कप दही। दही और सूजी को मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छे से फेंटना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अब इसमें 1 चुटकी सोडा खाने वाला और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा। अब इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे ताकि बैटर अच्छी कंसिस्टेंसी का हो जाए। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज और हरा धनिया काट के रख लिया है जो उत्पम पे मुझे लगाना है। 5 मिनट बाद मैंने तवा गरम किया है, तवे पे थोड़ा सा तेल डाला। अब इसे गीले टिश्यू से पोंछ लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो साफ हो जाएगा। अब इस पर बैटर डालूंगी मैं। बैटर थोड़ा सा मोटा ही फैलाना है। अब इसमें थोड़ा सा तेल और ऊपर कटे हुए प्याज, टमाटर और हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा ऊपर से भी चाट मसाला ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आए और थोड़ा सा ऑयल। नाउ एक तरफ जब ये पक गया है तो मैं इसे पलट दूँगी। पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी सेक लूँगी। देखिए अच्छा गोल्डन कलर आया है एक तरफ। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे से पक जाए। गैस का फ्लेम थोड़ा मैं बढ़ा दूंगी। दूसरी तरफ से अच्छे से पक गया है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी। नाउ एक उत्पम रेडी हो गया। इसी तरह मैं जो दूसरा पार्ट ऑफ बैटर बचा हुआ है उसको मैं डाल करके एक और उत्पम तैयार कर लूँगी। ये बहुत इजी रेसिपी है। आप मॉर्निंग में कोई भी चीज़ें नहीं है आपके पास ब्रेकफास्ट में, या आप तैयार नहीं हैं क्या बनाएं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको मूंगफली की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। मैं इसे आज दही और सॉस के साथ आरुष को दूंगी। सो आरुष के ब्रेकफास्ट में है आज उत्तपम, कर्ड और टोमेटो सॉस। आरुष टोमेटो सॉस बहुत पहले से खा रहे हैं। पापा आ गए टोमेटो सॉस खाना है। टोमेटो सॉस के साथ खिलाना। बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगी आदेश।
शाम का टाइम है, मैंने आरुष को पेंटिंग दे दी है ताकि वो बिज़ी रहे थोड़ा, और मैं थोड़ी लिस्ट बना लूँ बिकॉज़ आरुष का बर्थडे आ रहा है, ओनली 2 वीक्स लेफ्ट। सो कुछ चीज़ें मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, ऑनलाइन आने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मुझे पहले से ही थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी। आज या कल मैं ऑर्डर में लगा भी दूंगी ताकि वो जल्दी आ जाए।